स्टूडेंट लोग पूरे साल में आधे टाइम तो ये कहते गुजार देते हैं कि स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, स्कूल असाइनमेंट बहुत है, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाई, बेसिक फंडामेंटल कमजोर है, ये सारी बातें बकवास है, ये सब खोखले बहाने हैं। क्या आप एग्जाम को रोक सकते हैं? क्या नीट के पेपर में इस टाइप के चार ऑप्शंस होते हैं? रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, समझ में नहीं आ रहा था, भूल गया, बीमार था? नहीं ना, तो फिर ये बहाने क्यों? सिर्फ आप अपनी स्मार्ट स्टडी के हेल्प से ये सभी एक्सक्यूज को रिमूव कर सकते हैं। आप वक्त की वैल्यू को समझिए और सही डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, करते रहो और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक पूरी चैप्टर आसान न लगने लगे, क्योंकि जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ तालियां बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। यू नो, संघर्ष में आप अकेले ही रहते हो, सफलता में दुनिया आपके साथ होती है। आपके विचार से कार्य की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत और चरित्र से आपके भाग्य की उत्पत्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कर्म भूमि की इस दुनिया में मेहनत सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद ही भरना पड़ता है। जिंदगी के बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता, बस आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आज आप जहां भी हैं या कल जहां भी रहेंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सो आज आप चुनाव करिए कि सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने। कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।